हेलो भाई, राष्ट्रगीत पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तिरंगा तब शुभ नामे धाये तब शुभ आशीष मांगे गाये जब जय माता जन गण मंगल नायक जय हे भारत मा के विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की है। ये दोनों साहब आए चलो और स्वागत करें हमारे एसएचओ साहब का। सरफुद्दीन साहब बहुत बड़े समाज सेवी है और नाजीमुद्दीन साहब हमारे बीच योगेंद्र साहब हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूंगा नाजीमुद्दीन साहब और आए और हमारे योगेंद्र साहब का स्वागत करें। आरिफ साहब आए योगेंद्र साहब का हमारा स्वागत करें। इरफान मंसूरी साहब और मुबीन साहब दोनों साथ में आए और हमारे एसएचओ साहब का स्वागत करें। याया भाई याया साहब आए और कावर सेवा समिति जो कावर सेवा समिति हमारे आई है अपना बेगलपुरी से। मैं चाहूंगा शुक्ला जी आए अपने साथियों के साथ और स्वागत करें हमारे एसएचओ साहब का। अजीज भाई स्वागत करें हमारे एसएचओ साहब का। अफसर भाई है हमारे बीच में चांदबाग से वो आए स्वागत करें हमारे एसएचओ साहब का। शाहिद मलिक साहब वीना गोस्वामी जी वीना गोस्वामी जी हमारे बीच में वो आए और स्वागत करें हमारे एसएचओ साहब का जिस पे काम करती है। और सबसे पहली जो एसोसिएशन है वो सबसे पहले प्यार की तरह बहुत अच्छी होती है। शादी के बाद भी कई बार याद आती है पहले वाली जो चीज़ है ना, तो वो इस तरीके का हमारा प्यार है इस एसोसिएशन का कि जो इस पे काम करती है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ 2-1 साल से, उसके बावजूद मुझे ये एसोसिएशन इतनी अच्छी लगती है क्योंकि इस हिंदुस्तान में रहने का एक ही तरीका है प्यार मोहब्बत, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं बना। एक तरीका आपने देखा बंटवारा था, बंटवारे के बावजूद भी आज हम जिस मुकाम पे हैं वो आज वही मुकाम है जैसा पहले होता था। आज भी अगर हमारे बीच में मोहब्बत पैदा हो सकती है तो वो हिंदू मुस्लिम एकता पे, सिख ईसाई एकता पे हो सकती है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और ये एसोसिएशन जिस प्रकार का काम कर रही है, अब बहुत सारी ताकतें बहुत सारे भाषण देने वाले लोग बेशक हिंदू मुस्लिम के बीच में पैदा करते हों कुछ भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी ऐसी एसोसिएशन ही है जो आपस में मोहब्बत पैदा करती है। हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं तो हम उस कल्चर को गाली नहीं देते बल्कि हम उसको देखते हैं कि ये दूसरा तरीका है और ये दूसरा तरीका है। वरना हम दूसरा अगर हम एक दूसरे से नहीं मिलते तो हम एक दूसरे के कल्चर को बहुत खराब बताते हैं। तो यही इस एसोसिएशन की महानता है कि इसमें अफसर भाई ने जिस तरीके से जोड़ रखा है, हम पुलिस ऑफिसर्स के साथ में, हम शासकों के साथ में, प्रशासकों के साथ में, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ अफसर भाई और पूरी टीम को। कस्सार भाई हैं, गणेश भाई हैंगे, अपने अशोक भाई साहब हैंगे, वर्मा जी। और मैं बताना चाहूँगा ये एक ऐसा पर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व है, किसी एक व्यक्ति विशेष का या किसी समुदाय का पर्व नहीं, ये पूरे देश का पर्व है। आज पूरे देश में जगह जगह पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है जिससे पता चलता है कि आज हमारा देश एक स्वस्थ देश है और पूरा देश प्रसन्न है, खुशी के माहौल में डूबा हुआ है। एक ऐसा माहौल है जिसमें हर व्यक्ति हर समुदाय बहुत प्रसन्न है और बहुत खुशी महसूस करता है। इससे पता चलता है कि आज हमारा देश प्रगतिशील देश है और हमारे देश में जो लोग रहते हैं सब भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से, सभी समुदाय के लोग हिंदू मुस्लिम हों चाहे सिख ईसाई हों, सभी लोग आपस में मोहब्बत से रहते हैं और उसी मोहब्बत के एक प्रतीक है आज जो ध्वजारोहण हमारे यहाँ किया गया है सोशल एम्पायर एनजीओ की तरफ से। और मैं बधाई देता हूँ आपके न्यूज़ चैनल को जो बेताब समाचार पत्र समाचार है जो हर जगह उस जगह पर मौजूद होता है जहाँ पर छोटे छोटा प्रोग्राम हो या बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो। तो बधाई देता हूँ आपके बेताब समाचार को कि आप आए और आपने हमारा कार्यक्रम चाहेंगे। चेयरमैन साहब देखिए आज बहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस है
और हम लोग इस आज़ाद हिंद के अंदर, इस आज़ाद भारत के अंदर चैन की सांस ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ उन सैनिकों को, उन जो 40 डिग्री माइनस बर्फ के अंदर भी सियाचिन ग्लेशियर में रह के हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, जिनकी आज बलिदान, जिनकी कुर्बानी की वजह से हम और आप यहाँ चैन की आबो हवा में सांस ले पा रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने हंसते हंसते फांसी पर अपने वतन की खातिर चूम ली, और आज जिनकी बलिदान की वजह से हम लोगों को ये आज़ाद भारत देखने का अवसर मिल रहा है, सबकी बलिदान को याद करने का दिन है। और ये आज जो त्यौहार है जिसे हम सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं, ये जाति पंथ भेद भाव भाषा भूषा सबको छोड़ कर सिर्फ अपने देश, अपने भारत और अपने भारत के बलिदान और भारत की आज़ादी को याद करने का दिन है। और बड़ा अच्छा लगता है जब सभी भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल के इस त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज लगता है कि जो सपना पंडित दीनदयाल